पीडीओ यानी पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर्स एग्जाम के चलते पेपर लीक होने का इल्जाम लगाकर स्टूडेंट्स एहतजाज कर नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। ये एग्जाम गुलबर्गा के अलावा बीदर, यादगीर और दीगर इलाकों में चल रहे हैं और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और गुलबर्गा शहर के इस्लामाबाद कॉलोनी में लिटिल फ्लावर स्कूल में पीडीओ एग्जाम के लिए सेंटर बनाया गया था और यहाँ भी स्टूडेंट्स एहतजाज करते नजर आए हैं। इस मौके पर कर्नाटक के बीजेपी एससी मोर्चा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अंबराय अस्तगी ने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में बयान जारी कर कहा, इस तरह क्वेश्चन पेपर लीक होना स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी है। इन हालात में पुलिस डिपार्टमेंट और तहसीलदार के अलावा दीगर अहदेदारों ने स्टूडेंट से कहा, अगर सच में पेपर लीक हुआ है तो ज़रूर इन्वेस्टिगेशन कर एक्शन लिया जाएगा, पर इस तरह अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए एग्जाम लिखने की गुजारिश की गई। और कई स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखा पर 384 स्टूडेंट्स ने एग्जाम का बॉयकॉट कर री एग्जाम की मांग करते हुए एहतजाज करते देखे गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज गुलबर्गा में जो पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर्स के एग्जाम होना था, वो एग्जाम गुलबर्गा शहर के गुड शेफर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल में सेंटर था। वो सेंटर में करीब 384 स्टूडेंट्स को 30 मिनट लेट पेपर दिया गया है और उसमें भी क्वेश्चन पेपर जो कवर था वो अनसील्ड है। इसका मतलब पेपर लीक हुआ बोल के मालूम हो जाता है। साथ ही साथ 30 मिनट लेट क्यों किए? अगर स्टूडेंट 5 मिनट लेट आता है तो अंदर नहीं लेते आप। अंदर आने के बाद क्वेश्चन पेपर 30 मिनट लेट क्यों किए? टोटल 384 स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं लिखे। अभी जो अंदर सेकंड पेपर का एग्जाम चल रहा है, कुछ लोग बाहर ही है, कुछ लोग अंदर है, गेट क्लोज किए। साथ ही साथ ये लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट वाले और एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले 4 घंटा बिठा के रखे हुए हो स्टूडेंट्स को। अगर एग्जाम नहीं चल रहा है तो इनको बाहर छोड़ देना चाहिए। पुलिस कमिश्नर और पुलिस ऑफिसर्स आके ये स्टूडेंट्स को मोबाइल छीन लेके 3-4 घंटा इनको बिठाए, एग्जाम नहीं चल रहा है, तो ये केपीएससी का फेल्यूर है। और ये जो हमारे सरकार है, कांग्रेस सरकार, सिद्धरामैया सरकार, टोटली फेल्यूर है। यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है प्रियांक खड़गे, इसका भी फेल्यूर है। ये लोग एग्जाम चलाने एडमिनिस्ट्रेशन करने में फेल हुए हैं। 384 बच्चों का भविष्य के साथ ये लोग खेले हैं, इसलिए ये हम इसका खंडन करते हैं। और री एग्जाम, ये पीडीओ का जो एग्जाम है, री एग्जाम करना बोल के हम गवर्नमेंट को आग्रह